वेलकम टू टेक्नो जूनियर। स्क्रैच जूनियर प्रोग्रामिंग के थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक से ज़्यादा सीन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उन सीन्स को एक दूसरे के साथ लिंक कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोगों को माई प्रोजेक्ट के ऊपर प्लस साइन को क्लिक करना होता है। अगर हम लोग डिफॉल्ट सीन को लेके चलें तो यहाँ पर एक कैट है वाइट बैकग्राउंड के साथ। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने सिटी का बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इससे पहले भी हम लोग पिछली वीडियोस में ये बात करते आए हैं कि अगर हम लोग किसी करेक्टर को मूव करना चाहते हैं तो उसको मूव करने के लिए येलो कैटेगरी के अंदर से हम लोग स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग के ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा सबसे पहला ब्लॉक होता है। इसके बाद हम लोग मूवमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लोगों ने ब्लू कैटेगरी के अंदर से मूव राइट का ब्लॉक सिलेक्ट किया। अब हम लोग इसको देखते हैं ये किस तरह से परफॉर्म करेगा। अगर हम लोग अभी तक का सीन रन करें तो आपका करेक्टर सिर्फ एक सिंगल पोजीशन मूव कर रहा है। बेसिकली स्केल को यूज करते हुए हम लोग देख सकते हैं कि करंटली हमारा करेक्टर टू पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, टू पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर हम लोग 20 तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर 18 की स्पीड जो है वो मेंशन करनी होगी। हमें 18 टाइम्स मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करनी होगी। अब अगर हम लोग देखें तो ये कैट मूव करेगी और 18 के बाद ये स्क्रीन के एंड के ऊपर पहुंच जाएगी। अब मैं ये चाहता था कि मैं जिस वक्त फर्स्ट स्क्रीन को कंप्लीट कर लेता हूं, अब ये कैट मूव करते करते एक नए सीन के अंदर एंटर हो जाए। इसके लिए हम लोग राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं, राइट साइड पे एक प्लस का साइन है हमारे करंट सीन के नीचे। करंट सीन के ऊपर एक छोटा सा वन लिखा हुआ है जो कि डिफाइन कर रहा है कि अभी हमारा सिर्फ एक सिंगल सीन है, सीन नंबर वन। अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास सीन नंबर टू आ जाएगा। इस सीन नंबर टू के अंदर हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सब जो बेसिकली सब अर्ब की बैकग्राउंड थी वो सिलेक्ट कर ली और मैं ये चाहता हूँ कि ये पिछले सीन से कनेक्ट हो जाए और यहाँ पर ये करेक्टर फर्दर मूव करना शुरू कर दे और जैसे ही ये सीन स्टार्ट हो करेक्टर स्टार्ट हो जाए और ये करेक्टर ब्लू कैटेगरी के अंदर से उसी तरह से हमने मूवमेंट का ब्लॉक ले लिया और हमने डिफाइन किया कि ये मूव करना स्टार्ट हो जाए। अब हमारा फर्स्ट सीन ये है कि कैट मूव कर रही है और इसको सेकंड सीन के अंदर एंटर होना चाहिए और इसको मूवमेंट परफॉर्म करनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह से कर नहीं रहा है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे देखूं, टॉप पे जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बटन है, ये सीन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सीन से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही फर्स्ट सीन एंड हुआ ये सेकंड सीन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग दो सीन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट सीन के ऊपर आ जाता हूँ। ये ऑरेंज कलर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट सीन जो है वो सिलेक्टेड है। अब अगर हम लोग अपनी रेड कैटेगरी के अंदर जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक थर्ड ब्लॉक आ चुका हुआ है जिसके अंदर टू लिखा हुआ है, एक सीन बना हुआ है और उसके ऊपर एक नंबरिंग मेंशन है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो बेसिकली जब हमारा फर्स्ट सीन एंड होगा ये हमें सेकेंड सीन के अंदर एंटर कर देगा। और अगर मैं अगर सेकंड सीन को रोकना चाहता हूँ, यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं रेड कैटेगरी में से एंड वाला ब्लॉक कनेक्ट कर दूंगा। हमारा फर्स्ट सीन स्टार्ट होगा, जैसे ही वो एंड पे पहुँचा सेकंड सीन के अंदर एंटर हो गया और सेकंड सीन जैसे ही आपके पास 18 पोजीशन कैट ने मूव किया आपकी सीन स्टॉप कर जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये सीन कंटिन्यू रहे और ये दोबारा से सीन वन में एंटर हो जाए तो हम लोग रेड वाले ब्लॉक्स के अंदर देख चुके हुए हैं। अब सीन वन के साथ लिंक करने के लिए भी हमें ब्लॉक दे दिया गया है। अब अगर हम लोग इसको फर्स्ट सीन से स्टार्ट करें तो हम देख सकते हैं फर्स्ट सीन से कैट ने मूवमेंट स्टार्ट की, सेकंड सीन के अंदर कैट एंटर हो गई और क्योंकि अब हमने उनको कनेक्ट कर दिया हुआ है सेकंड सीन से दोबारा फर्स्ट सीन के अंदर कैट एंटर हो गई। तो इस तरह से कुछ ब्लॉक्स को बनाते हुए
हम लोग सीन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट सीन्स की कनेक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।